राइट, हेलो एवरीवन। आई नो बैकग्राउंड चेंज हो गया, उस रूम में रेनोवेशन चल रहा है। सो आप अब इस लेवल पर आकर के खड़े हो जहां पर आपने बेसिक प्राइस एक्शन कंप्लीटली सीख लिया है। अब आपको एडवांस लेवल पर ले जाने का टाइम आ चुका है। सो हियर इज अनदर वीडियो ऑन द एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको इतनी लर्निंग अटैच्ड है इस वीडियो के अंदर, यू विल नॉट रिग्रेट इट। अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखना, लाइक करके छोड़ दो या सेव लेटर में डाल के छोड़ दो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट। फुल 100% एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को देखना है ताकि आप अटेंटिव रहो और हर चीज प्रॉपरली। हम लोगों ने लास्ट क्लास में गाइस एक चीज के बारे में पढ़ लिया था। क्या चीज? साइडवेज मार्केट के बारे में, राइट? अब हमको क्या पढ़ना बाकी है? अब हमको बाकी है दोनों ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड वॉट आर ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स क्या होती है, उनको यूज कैसे किया जाता है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है उनको यूज करने का, एंड तक देखना है आपको, बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। ओके, अप ट्रेंड एक होता है एंड एक होता है डाउन ट्रेंड, राइट? एक होता है डाउन ट्रेंड। नाउ टेल मी वन थिंग, हम लोगों ने कल एक चीज तो समझ ली, दैट वेन एवर मार्केट इज राइजिंग इट हैज टू टेक सपोर्ट। मार्केट को बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट क्या होता है? डिमांड जोन। और जब भी मार्केट को फॉल करना है, इट हैज टू टेक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? सप्लाई जोन। नाउ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इनमें कैसे हम लोग लेवल्स बनाएंगे? साइडवेज अगर मार्केट है तो हम ये लाइंस बना करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा सप्लाई जोन है और कौन सा डिमांड जोन है। बट इन केस ऑफ एन अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड, वी विल बी यूजिंग ट्रेंड लाइंस। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? आई विल टेल यू नाउ। जस्ट एक मिनट बाद हम लोग ये चीज समझेंगे। नाउ आपने कभी देखा है, मार्केट राइज जब करता है तो इट राइजेज इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। वो एक इस टाइप का पैटर्न बनाता है जिसमें हायर हाईज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। नाउ हम एक बार समझते हैं अभी क्या होता है। देखो, लेट्स मार्क दी हाईज ऑफ द स्विंग्स। दिस इज स्विंग वन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। सो दिस इज एल वन, दिस इज एल टू, देन दिस इज एल थ्री, दिस इज एल फोर एंड देन दिस इज एल फाइव। नाउ दिस इज एच वन, सिमिलरली एच टू, एच थ्री एंड एच फोर। अब आप कंसिडर करते हो, अगर If you are noticing over here, H1 से ज्यादा बड़ा H2 है and H2 से ज्यादा बड़ा हमारा H3 है और H3 से भी बड़ा हमारा H4 है। Similarly, in the case of lows which are being formed, lows जो बन रहे हैं उनमें भी ऐसा ही है। L1 उससे बड़ा L2, उससे बड़ा L3। बड़ा का क्या मतलब? लार्ज इन साइज? नो, लार्ज इन नंबर, लाइक स्केल पर, ऊंचे लेवल पर, ऊंचे नंबर पर। सपोज दिस इज अ स्केल ऑफ 1 to 100, then ये 10 पर है, ये 20 पर है, then 30 है, इस तरीके से बड़े लेवल पर है। Now L4 L3 से बड़ा है, L5 L4 से भी बड़ा है। एक सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट राइज कर रहा है। यहां पर अपने को दिख रहा है that every high is higher than the previous high. H1 is smaller than H2, which is smaller than H3 and which is again smaller than H4. तो क्या पता चल रहा है इससे? इससे अप ट्रेंड कैसे शो हो रहा है? देखो, जब भी हायर हाइज और हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए दैट बुल्स आर स्ट्रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ एक बार हम इसको बुल बियर कॉन्सेप्ट से अगर समझने की कोशिश करें तो बियर्स वर सक्सेसफुल इन पुलिंग द प्राइस डाउन टिल एल वन एंड बुल्स वर सक्सेसफुल टू पुल द प्राइस अप टिल एच वन। बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब एक थोड़ा बेयरिश ट्रेंड आया छोटे से टाइम पे, तो यहां पर बेयर्स इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो प्रीवियस लेवल ऑफ लो अटेन कर पाए। बट बेयर बुल्स वर सो हाई दैट उन्होंने इस बार वापस एक नया हाई बना दिया जो प्रीवियस से भी ज्यादा ऊंचा था। सो दैट इज वाई हायर हाईज एंड हायर लोस जब भी आपको दिखें, आपको समझ जाना चाहिए दैट मार्केट में बुल्स, विच मीन्स बायर्स, आर मोर पार्टिसिपेटिंग, दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है that particular day or that particular trend. Now over here, how will you identify the support which is being provided? Support कहाँ से मिल रहा है? यहाँ पे horizontal line बनाओगे तो ज़्यादा touch आपको मिलेंगे ही नहीं। So in such situation, guys, we use trend lines. What are trend lines? Trend lines, as the name suggests, वो trend show करते हैं। क्या trend? क्या होता है? जो भी उस time पर
whatever is going on at that time is called the trend. अगर market continuously rise कर रहा है तो uptrend है. Uptrend क्यों कह रहे हैं? क्योंकि up जा रहा है market और वही चल रहा है तो uptrend कहते हैं. Now trend lines होती हैं या तो slanting lines होती हैं, या तो ऊपर की तरफ जाती हैं या तो नीचे की तरफ जाती हैं. Now over here अगर हम एक trend line बनाए तो हमको दिखता है कि ये L1, L2, L3 को अगर हम connect करते हैं तो हमें दिखता है कि इस green zone से continuously market support लेकर के rise कर रहा है. ऑल राइट, सिमिलरली गाइस, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, इफ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, देन क्या मतलब है इस ब्रेक का? दैट द ट्रेंड हैज नाउ रिवर्स्ड. नाउ यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टाइम फ्रेम, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. नाउ जैसे ही एक ट्रेंड लाइन पर ब्रेक आता है ना, तो आप इन लेवल्स तक के टारगेट ले लेकर के मार्केट को शॉर्ट करते चले जाते हो. All right, I hope this is clear with you that uptrend में हम लोग कैसे trend lines बनाते हैं. Uptrend होता है जब continuous chain बन रही हो higher highs और higher lows की. Downtrend की बात कर लेते हैं guys. So ऐसे ही market में downtrend भी बनाता है. This is an example of downtrend. Now if we again mark the lows and the highs, then this is H1. Green one will be high and red one will be low. H1, H2, H3, and then this is H4. Now coming to lows, if we mark with red, then this is L1, this is L2, this is L3, and this is L4. Now what are you able to notice over here? That market is continuously forming lower highs and lower lows. Market continuously lower high or lower low बना रहा है. क्या show कर रहा है ये? That initially जो bears, जो bulls market को इस level तक rise करवा पा रहे थे या इस level तक rise करवा पा रहे थे, now they're not even strong enough कि वो इसको attain कर पाए, वो उससे भी नीचे की तरफ एक high बना रहे हैं. Similarly यहाँ पर देखो continuously lower high बन रहा है. And what about the bearish view of this situation? तो bears are so strong now that वो पहले के comparatively एक ज़्यादा नीचे low बना पा रहे हैं, right? That is why this is called a downtrend. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर? प्राइस कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिक तरीके से फॉल कर रहा है. ओवर हियर अगर हम ये दो रेंजेस लेते हैं, दीस टू रेंजेस, देन आप देखो इफ दिस इज 100 एंड दिस इज 50, देन ओवरऑल देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ आया. नाउ इस सिचुएशन में हम लोग ट्रेंड लाइन नीचे बनाएंगे या ऊपर बनाएंगे? ऑब्वियसली हम ऊपर ट्रेंड लाइन बनाएंगे. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेकर ही मार्केट फॉल करता है, ये हम लोगों ने समझ लिया था फर्स्ट बेसिक के सेशन में. अगर आपने नहीं देखा है सो आई सजेस्ट यू उसको जरूर देखो, वो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा. सो ओवर हियर लेट्स मेक अ रेजिस्टेंस लाइन ऑफ रेड कलर. यहाँ पर सप्लाई आता है सो सेलिंग आती है. तो देखो कंटिन्यूअसली मार्केट में फॉल आता है जब जब ये इसको टच करता है. आई होप ट्रेंड लाइन आपको एकदम क्लियर है. एंड नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू चार्ट्स की हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस, ड्रॉ करके ब्रेकआउट किस पे यूज करना है. मार्केट वॉच करना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है विद टाइम. सो ओवर हियर बहुत सारी ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. अगर हम लोग एक प्लेन चार्ट पर आ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा. ओके नाउ हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे गाइस 1 आवर टाइम फ्रेम पर. 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो भी ट्रेंड लाइन बनती है उसका ब्रेकआउट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है. मतलब उसने छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा बार वहां पर टच दिया होगा एंड जितने ज्यादा टचेज होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर उतना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है. क्योंकि जो हमेशा रिस्पेक्ट हो रहा है इट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन जो एक या दो बार ही रिस्पेक्ट हुआ है. ऑलराइट, सो गाइस यहां पर अगर आप देखते हो ओवर हियर दिस इज निफ्टी बैंक चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट है. एंड यहां पर अगर आप देखते हो तो कंटिन्यूअसली दिस इज H1, सॉरी दिस इज L1, दिस इज H1, दिस इज L2, दिस इज H2, दिस इज L3, दिस इज H3 एंड दिस इज L4. सो एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड है जिसको मार्केट फॉलो करता हुआ जा रहा है. ऑलराइट, नाउ ऐसी ही सिचुएशन में हम लोग ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स फॉर्म अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर. एंड मैं हर स्टॉक में आपको बना के दिखा सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन काम करती है. प्राइस एक्शन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन एनी स्टॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ऑलराइट गाइस, सो हम आप ट्रेंड लाइन 15 मिनट पे भी बनाओ, 5 मिनट पे भी बनाओ, कोई इशू नहीं है. बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या आपको मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड्स जिसे कहा जाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होते हैं, तो 1 आवर पे ट्रेंड लाइन बनाओ.
15 मिनट या 30 मिनट पर उसके ब्रेक का वेट करो, अगर 15 मिनट पर ब्रेक नहीं करा तो 30 मिनट पर देखो, एक कैंडल और बनेगी, ब्रेक आएगा, इट विल श्योरली गिव यू गुड रिजल्ट। नाउ ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, यहां पर आप जाओगे तो फर्स्ट टूल ही होता है ट्रेंड लाइन, ALT प्लस T आप अगर दबाते हो यहां पर आके तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाना चालू हो जाएगी। सो हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म करते हैं जिससे कंटिन्यूअसली मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ऑलराइट, सो आप देख पा रहे होगे दैट कंटिन्यूअसली व्हेनेवर प्राइस राइजेस, देखो यहां आया राइज करा, फिर आया, फिर राइज करा, फिर आया, देन अगेन राइज करा, सो कंटिन्यूअसली एक स्ट्रीक ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म हो रहा है। नाउ व्हेनेवर दिस ट्रेंड लाइन विल बी ब्रोकन इन बैंक निफ्टी, तब आपको हो सकता है मे बी बैंक निफ्टी में एक अच्छा फॉल देखने को मिले बिलो दिस लेवल। ऑलराइट, सो आई होप आपको अब हल्का फुल्का समझ आने लगा होगा कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन बनाने वाले हैं। नाउ सिमिलरली ओवर हियर, यहां पर देखते हैं अगर हम लोग तो, अच्छा आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू, दिस इज H1, दिस इज L1, दिस इज H2, दिस इज L2, देन दिस इज H3 एंड दिस इज L3। कंटिन्यूसली एक फॉलिंग मार्केट आपको यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेंड लाइन कहां पर बनाओगे, ऊपर की तरफ बनाओगे, क्यों, बिकॉज मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फॉल कर रहा है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आप देखो एक हल्का सा रीटेस्ट सा हुआ इसका एंड ऊपर गया मार्केट, अच्छा बहुत अच्छा राइज दिया। इफ यू अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते देखो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलता। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन विच इज आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया, आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए प्राइस एक्शन पे, पैटर्न पे, इससे भी एक लेवल आगे एडवांस लेवल पर, तो प्लीज मेक यू कमेंट बिलो कि आपको आगे क्या वीडियो चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, प्राइस एक्शन हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक्स अ लॉट।